ग्रामीण कार्य मंत्री, पथ निर्माण मंत्री कौन है वो तो आप लोग जानते ही हैं। तो शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण कार्य मंत्री और पथ निर्माण मंत्री, ये चारों लोग आरजेडी के माननीय तेजस्वी यादव और या उनके सहयोगी हैं, और इसीलिए शायद उनके बेहतर काम को देखते हुए नीतीश कुमार जी ने शायद ये अब सोचा है कि भाई अब इनको और प्रमोट करके मुख्यमंत्री का इन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए, ताकि और बिहार की व्यवस्था को और बेहतर बना दिया जाए। ग्रामीण कार्य मंत्री, पथ निर्माण मंत्री कौन है वो तो आप लोग जानते ही हैं। तो शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण कार्य मंत्री और पथ निर्माण मंत्री, ये चारों लोग आरजेडी के माननीय तेजस्वी यादव और या उनके सहयोगी हैं, और इसीलिए शायद उनके बेहतर काम को देखते हुए नीतीश कुमार जी ने शायद ये अब सोचा है कि भाई अब इनको और प्रमोट करके मुख्यमंत्री का इन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए, ताकि और बिहार की व्यवस्था को और बेहतर बना दिया जाए। तो मैंने इसीलिए कहा कि साहब इतना दिन वेट नहीं करना चाहिए, आज भी तेजस्वी यादव की मेजोरिटी है, बड़ी पार्टी तो आरजेडी ही है, तो नीतीश कुमार जी को 25 तक का इंतजार नहीं करना चाहिए। उन लोगों का जो आरजेडी का काम करने का तरीका है, जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, बिहार की जनता ने देखा है, और अभी जो लोग काम कर रहे हैं, जिन विभागों के वो इंचार्ज हैं, उनके मंत्री हैं, उन विभागों में जितना बढ़िया काम हो रहा है उसको देखते हुए नीतीश कुमार जी को 25 तक का इंतजार नहीं करना चाहिए, अभी तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बना देना चाहिए, ताकि बिहार की जनता बिल्कुल प्रमाणिक तौर पर देख सके कि अगले 3 साल कितना बढ़िया बिहार चलता है, और उसके आधार पर वोट कर सके। बेकार में चुनाव के समय एक नया फेस देने का क्या फायदा है। ये तो नीतीश कुमार जी अपने 20 साल आप रहिएगा और आपके कार्य पर वोट न हो इसलिए चुनाव से पहले किसी दूसरे का फेस लाइएगा, वो तो ठीक नहीं है। जिस व्यक्ति जब उन्होंने घोषणा कर ही दी है कि भाई महागठबंधन लड़ेगा चुनाव तेजस्वी जी के नेतृत्व में, तो तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बना देना चाहिए। मेरा अभी तक का अनुभव जो है 80-82 दिन का चलने का, सारी योजनाओं और लोगों की स्थिति पर मैंने बात करी, राजनीतिक टिप्पणी ये है कि ये जो स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, कृषि, ये सारे डिपार्टमेंट आज आरजेडी के पास हैं, पहले भाजपा के पास थे करीब करीब शिक्षा को छोड़कर। तो चूंकि अब जब सारा डिपार्टमेंट उन्हीं के पास है और उन्हीं क्षेत्रों में इतना जनता नीचे काम बढ़िया देख रही है, जब मुख्यमंत्री तुरंत बना देना चाहिए, ताकि बिहार की जनता को भी देखने को मिले कि कितने बड़े विजनरी लीडर हैं तेजस्वी जी और कितना बढ़िया वो काम करेंगे, जिसके आधार पर वो वोट कर पाए। देखिए, पिछली बार जब बीपीएससी का परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हुआ था तो लोगों ने मुझसे कहा कि आप टिप्पणी कीजिए, बच्चों ने भी आकर कहा कि आप ट्वीट कीजिए, तो मैंने उस समय भी कहा था और अभी एसएससी का जो परीक्षा पत्र लीक हुआ उस पर फिर वही कह रहा हूं कि भाई ये रोजमर्रा की घटना बन गई है। जब आपका पिछले 10 सालों में ये 60 से ज्यादा अलग अलग परीक्षाओं के पेपर बिहार में लीक हुए हैं, ना इस पर किसी की जवाबदेही है, और जो आदमी जो पिछली बार बीपीएससी के प्रश्न पत्र लीक होने के बाद जिस व्यक्ति को सरकार ने ये कहा कि ये दोषी है, जिसको पकड़ा गया, उसी आदमी का पिक्चर सरकार के बड़े मंत्रियों के साथ 2 दिन के बाद आप ही लोगों ने छापा है। तो आपको पता है कि जब शिक्षा मंत्री या पूर्व शिक्षा मंत्री प्रश्न पत्र लीक करने वाले के साथ बैठकर और उसकी साठगांठ और उसकी फोटो छपेगी तो प्रश्न पत्र लीक नहीं होगा तो क्या होगा। ये बिहार में तो जो प्रश्न पत्र लीक होना कोई न्यूज नहीं है, बिना प्रश्न पत्र लीक हुए कोई एग्जाम हो जाए तो वो न्यूज है। स्वाभाविक है नहीं हो सकता, जब या तो प्रश्न पत्र लीक होगा, जो प्रश्न पत्र लीक नहीं होगा तो जो पिछली बार अभी बीपीएससी का रिजल्ट आया है उसमें भी लोग आरोप लगा रहे हैं कि एक ही सेंटर से सबसे ज्यादा लोग कम्पीट किए हैं, तो किसी ना किसी तरीके से जो आदमी भी रसूख वाले हैं, जो पैसा दे सकते हैं, जो गलत मीन्स का उपयोग कर वहां पहुंच सकते हैं, वो चाहे प्रश्न पत्र लीक करा के करे या मार्क जो आप आंसर शीट लिख रहे हैं उसमें हेरा फेरी हो, या फिर जब फाइनल मार्क्स बनाए जा रहे हैं, रिजल्ट घोषित किए जा रहे हैं उसमें हेरा फेरी हो, किसी भी तरीके से जो योग्य लड़के हैं जो मेहनत कर रहे हैं और उनके पास पैसा देने या भ्रष्ट माध्यमों को इस्तेमाल करने का उपाय नहीं, उनके लिए नौकरी मिलना बिहार में आज मुश्किल है।